जब 370 हट गया उसके बाद तो एक ही चीज होगी जो अभी चिट्टा गांजा चर्च के लोग ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग ऐसे कार्ड बना के यही काम कर रहे हैं। बीजेपी का कार्ड बना लिया और उनको आर्मी पुलिस कोई कहीं किसी जगह में हैंडल नहीं कर सकती है, और वो फौरी तौर पे कभी दिल्ली में पहुंच जाते हैं, कभी कहाँ कुछ लड़कियां रख साथ में रखी हुई है छोटी गाड़ी में। कश्मीर से बोलते कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और कई लोग अभी यही काम कर रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को तबाह करने का यही चांस बनाया है, क्योंकि इनको कोई पूछ नहीं रहा है। जब के 370 टूटा है, हमें तो कोई इसका फायदा तो हुआ नहीं है। राज सिंह जम्बाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि दफा 370 को हटाए हुए साल पूरे हुए हैं, क्या कुछ फायदे इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को हुए? जी हाँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। नरेंद्र ठाकुर जी, आप बहुत एक अच्छे पत्रकार हैं और सूझबूझ के बहुत ध्यान से आप सवाल पूछते हैं। तो जो आपने सवाल पूछा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या फायदा हुआ, देखिए आप तो देख रहे हैं, आप जम्मू के हैं, आप देख रहे हैं कि कितने 24% जो बेरोजगार है, कितने जूस जो है, जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक तो स्क्रैप कर रहे हैं, कितनी जो जूथ है आज धरने पर है, चाहे पीएचई के लोग हैं वो भी धरने पर है, चाहे जो डेली वेजर है वो भी धरने पर है, जो भी नए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं इन्होंने जब निकालते हैं पोस्ट, ये अभी अभी इन्होंने सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली थी, फाइनेंस अकाउंट की निकाली थी, सभी लोग जो फायर ब्रिगेड निकाली थी उन्होंने, तो सभी की सभी जो क्रैश कर रहे हैं और करोड़ों रुपया इन्होंने इन युवकों से वसूला है, वो पैसा कहां गया आप बताए? लोग जो है वो कितने बेरोजगार हो गए हैं आप देखते हैं कि ये शहरों की हालत देखिए, गांव की हालत देखिए, रोड भी सही तरीके से नहीं बने हैं, क्या डेवलपमेंट हुए, बेरोजगार आगे आगे होता जा रहा है, उसकी रेशो जो है वो बढ़ते, इस निकम्मी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। 370 के बाद तो एक ही बात हुई है कि जो अभी हमारी यहाँ देश के अंदर जो अपने जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि पहले यहाँ अगर पढ़ाई करता था बच्चा तो मेहनत करके कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह में सेलेक्ट हो जाता था, तो 370 के बाद तो कोई किसी को पूछ भी नहीं रहा है, तो 370 हटाने के बाद बड़ी मुश्किल आ रही है हमें, ज़मीनों की भी बहुत बड़ी मुश्किलें आ रही है, क्योंकि हमारे जो ज़मीनों के बीच में जो लोग रह रहे हैं उनको बड़ी मुश्किल आ रही है। क्या नोमैड्स को इस हवाले से कोई फ़ायदा हुआ है? अभी तो कोई ऐसा नहीं हुआ, जब 370 हट गया उसके बाद तो एक ही चीज़ होगी जो अभी चिट्टा गांजा चर्च के लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग ऐसे कार्ड बना के यही काम कर रहे हैं, कश्मीर से बोलते कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और कई लोग अभी यही काम कर रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को तबाह करने का यही चांस बना है, क्योंकि इनको कोई पूछ नहीं रहा है। क्या लगता है कि बीजेपी का कार्ड लेकर जो है वो कहीं ना कहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी का कार्ड बना लिया और उनको आर्मी पुलिस कोई कहीं किसी जगह में हैंडल नहीं कर सकती है, और वो फौरी तौर पे कभी दिल्ली में पहुंच जाते हैं, कभी कहाँ कुछ लड़कियाँ रख साथ में रखी हुई है छोटी गाड़ी में, और वहाँ के काजीगुंड अनंतनाग के कुछ सिकंदर जी है एक जो बहुत बड़ा एक लीडर बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, और उसका काम यही है, चलता रहता है उसके लगातार यही काम है, क्योंकि पिछली बार एक बार गाड़ी पकड़ा गई थी 370 के बाद बीजेपी में, तो लश्कर तोयबा के लोग भी उन्होंने भी ज्वाइन किया। देखो अपनी मतलब ज्यादा काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का नॉलेज नहीं था कि कुछ लोग तो इसके बीच में फायदा लेने के लिए आए हैं, क्योंकि कुछ लोग मिलिटेंट के कुछ लोग जो जुड़े हुए थे वो आकर यहाँ देख रहे थे कि क्यों कैसा का माहौल है इनका, तो आगे का इनकी सिस्टम में देखकर वो इन्होंने क्लोज करके वो चला गए, तो भारतीय जनता पार्टी खाली खाली एक बात कहती रही जय भारत की, मगर भारत का ये ख्याल नहीं रहा कि कुछ लोग इसमें चोर चपट्टे भी बीच में बढ़ गए हैं, इनको देख लेना चाहिए। फायदा तो मुझे कुछ नहीं दिखा, उल्टा हमारा एक तो स्पेशल स्टेटस ही चला गया, जिसके हम पूरे हिंदुस्तान में हमारी शान थी, जब भी कहीं जाते थे तो कहते थे जम्मू कश्मीर से आए, तो एक जम्मू और कश्मीर का एक नाम था, लेकिन इन्होंने तो तबाही कर दिया उसको ख़त्म करके, और यहाँ पर उसके बाद देखो ब्यूरोक्रेसी आई, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई, लोगों के काम नहीं होते, नौजवान सड़कों पे आ गए हैं, और जो डेवलपमेंट होती थी वो उसको तो सिर्फ नाम का ही है, इन्होंने बोर्ड बहुत बहुत बड़े बड़े लगा दिए, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हुआ।
लेकिन अभी हाल ही मैंने स्टेटमेंट दिया था कि 370 जो है रिस्टोर होनी चाहिए, इसके हमारे बहुत फायदे हैं और हमारा जो स्टेटस है वो वापस मिलना चाहिए। एटलीस्ट हमें 370 को वापस मिलना ही चाहिए। आपके माध्यम से भी मैं सरकार से अपील करूंगा, मोदी साहब को अपील करूंगा कि 370 जो है वो हमें इसका स्टेटस वापस मिलना चाहिए। विकास हुआ है, देखिए आप क्यों विकास नहीं देख रहे हैं? आप ये हमारे प्रेस क्लब के बाहर विकास हुआ है, बच्चे बैठे हुए हैं, रो रहे हैं कितने दिनों से ये, और उसके बाद देखिए पीएचई वालों के पास जाइए, देखिए कितना अच्छा विकास हुआ है। उसके बाद आप अम्बेडकर चौक में जाइए, वहां पे देखिए कितना अच्छा विकास हुआ है। आप जहां मर्जी जाइए विकास ही विकास हुआ है। विकास हुआ है धरनों के मामले में, विकास हुआ है अपने हक मांगने के मामले में, विकास हुआ है ये जितनी भी रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको मांगने के मामले, हर कोई रो रहा है। विकास ही विकास हुआ है, ये बीजेपी का विकास, और सबसे बड़ा विकास हुआ है गिलगित बल्तिस्तान तक हमारी रियासत थी उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े करने से भी मन नहीं भरा, उसको इन्होंने यूटी बना दिया। अब मुझे लगता है इनका मन क्या भरेगा, यूटी से भी कोई नीचे हो सकता है, ये वहां पे लेना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के डोगरा समाज को, तो इन्होंने टोटल खत्म करने की पॉलिसी बना ली है। सिर्फ एक दिल्ली में ड्रामेबाजी है, हम डोगरों के साथ जम्मू वालों के साथ गलत नहीं करते, और जितना गलत जम्मू के साथ हुआ इतना किसी के साथ हुआ ही नहीं। सबसे पहले हम जम्मू परिवर्तन का शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना बड़ा टाइम कीमती वगैरह लगा के हमारे पास आए। इसका कहना 370 के बारे में क्या कहें सर, जो जब के 370 टूटा है हमें तो कोई इसका फायदा तो हुआ नहीं है, नुकसान ही नुकसान चल रहा है। हमें कुछ फायदा दिखना चाहिए था लेकिन हमें आज दिन तक दिखा नहीं। कांग्रेस सरकार भी जब तक चली उसने भी तो कुछ किया नहीं खास, लेकिन फिर भी थोड़ा सा निमट में चलती थी, इनसे तो फायदा कुछ हुआ नहीं। देखो आज महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हर चीज का खाने पीने का सामान देखो आज कितना लम्बे में जा रहा है, फायदा तो कुछ नहीं है। अब तेल का रेट आज देखो, तेल का रेट जब हम कांग्रेस के टाइम में खाते थे, हमें किसी भी पार्टी से, कोई भी पार्टी हो, हमें ये नहीं है कि बीजेपी के से कोई ना, पार्टी कोई भी हो, हमें अभी चलना है क्योंकि गरीब इंसान हर तरफ से मार खा रहा है। दूसरे ये खाने पीने का सामान देखो, दालों का रेट आज देखो, चावल का रेट देखो, जो आटा हम 25-20 रुपए केजी तब खाते थे वो आज हमें 35 रुपए केजी मिल रहा है, और तेल आप 200 रुपया क्रॉस कर चुका है, ठीक, चावल का रेट बढ़ चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था कि किचन का सामान कभी भी महंगा नहीं होना चाहिए, बीजेपी इसमें कहीं हट के चल रही है, ठीक है नहीं, क्योंकि वो गरीब भी खाता है और अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है और अमीर भी खाता है, लेकिन इन्होंने थोड़े उनसे हट के चले तो महंगाई का दौर बहुत हो गया। युवा रोड पे है, सड़कों पे है, और युवा जितने यंग इस वक्त हमारी युवा पढ़ी लिखी है सारी सड़कों पे है, किसी को कोई जॉब नहीं है, प्राइवेट कंपनी में कामें करती हैं वहां पे उनको सैलरी पैकेज नहीं, कुछ डिप्रेशन में चले गए हैं लोग, काफी युवा हमारे डिप्रेशन में है। मैं खुद भी एक पढ़ा लिखा युवा हूँ, मुझे अभी तक जो नहीं बोर्ड से फॉर्म भरे, बोर्ड से इंटरव्यू नहीं है। देखो जेके एसपी का ये जो फॉर्म भरे थे बच्चों ने, देखो उसमें कितना गेन हुआ है, और भी काफी चीजें हैं ये कि हमें इससे तो कोई फायदा हुआ नहीं। हम चाहते हैं कि अगर ये सरकार अच्छी से चलेगी, हमारा कुछ गरीब लोगों का करेगी तो हम लोग इनके साथ हैं। अगर ये आइंदा भी ऐसे ही रहेगी, अगर ये सरकार हमारे साथ जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है, अगर ये आने वाले वक्त में भी हमारे साथ ऐसा चलेगी तो भैया हम इन साथ के नहीं चल सकते, ऐसी सरकारों के साथ हम कभी भी नहीं चल पाएंगे। इसमें गरीब लोग मार खा रहे हैं, युवा मार खा रहा है, हर घर का चूल्हा बंद है, चलते चलते चूल्हा जलता हुआ बंद हो रहा है, तो इसमें क्या बताएंगे, आपके सामने है सब कुछ। तो देख लो आज महंगाई कितनी, अच्छा पेट्रोल और डीजल की आप दाम देख लो, पेट्रोल किस दाम पे चल रहा है, डीजल किस दाम से चल रहा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं है, डीजल में नहीं, गैस सिलेंडर आप देख लो, एक गरीब आदमी जो 500 रुपए दिन को कमाता है वो 1300 रुपए का 1200 रुपए का सिलेंडर रात को कैसे खरीद के अपना घर चलाएगा, कैसे अपने बच्चों को पाल पाएगा, कैसे अपने घर की फैमिली को आबाद कर पाएगा। देखो लैंडस्लाइड हो रही है और ऊपर से कोरोना वायरस से लोगों को मार पड़ी हुई है, कोरोना वायरस से लोग मजबूर हैं और मजबूरी के कारण अपना घर नहीं चला पाते, इनको हरास कर रहे हैं। पिछले दिनों में म्यूनिसपैलिटी के अंदर से आप देखो इन्होंने कितना कारोबार में कितने लोगों को परेशान किया, शॉपों के आगे सामान उठाया और वो सामान लोगों को कितनी मतलब परेशानी तो हो रही है ना, हर चीज से लोगों को काम नहीं करने दे रही है। हम नहीं, हम बीजेपी के खिलाफ भी नहीं, हम कहते हैं कि कुछ काम इनने 390 कुछ कोई 28% काम अच्छा होगा, कुछ रोडों का काम, लेकिन वो भी खस्ता हालत है, बड़े बड़े खड्डे हैं, देखो आप रोडों के ये काम के कहीं भी निकल जाओ, सिटी के अंदर निकल जाओ, देखो क्या क्या हालात चल रही है। लेकिन ऐसा है कि हमें आज तो फायदा हुआ नहीं भाई, से जो सीधी बात है हमें तो बीजेपी सरकार से कोई बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान भुगत रहे हैं जब तक।